आज पढ़ेंगे हम डोम इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं index.html। क्या नाम आ रहा है index.html। दूसरी फाइल होती है अपनी js में बनाते हैं हम, कोई भी नाम दे दो js डॉट डॉट की जगह आगे कॉमा यहाँ पे। ठीक है, अगर चीज़ों को हम यहाँ से हटा देते हैं, इंडेक्स में आते हैं, कर दिया एंटर सीधा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, डोम। तो मैं एक सेंटर टैग लगा के इसके अंदर लगा देता हूँ H1 में लिख देता हूँ क्या पढ़ने हैं डोम। डोम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसे हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं HTML को, CSS को। मतलब जावास्क्रिप्ट से हम HTML की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, CSS को चेंज कर सकते हैं डोम से ही, मतलब जावास्क्रिप्ट से ही, डोम की हेल्प से। ठीक है, इसमें तुम्हें इवेंट्स वगैरह भी दिखोगे अभी। तो अभी मैंने क्या बनाया सिंपल, ये बस एक चीज़ में दिखेगी, हेडिंग ही दिखेगा इसमें सेंटर में डोम का। बस अभी मैंने इतना ही करा, बस डोम लिखा है। अब सबसे पहले हम जाते हैं इसमें स्क्रिप्ट में, इसको लिंक नहीं करा, सबसे पहले लिंक करेंगे हम कहाँ, नीचे जैसे करते हैं स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट के पहले एहसास ही लिखा, इक्वल टू लिखा, जो एहसास का नाम था वो लिख दिया index.js, लिंक हो चुकी है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं लिखता हूँ इसमें पी, जो सिंटैक्स से बाहर लिख देता हूँ एक पी पैराग्राफ। ठीक है, अब पैराग्राफ मैंने लिखा है क्या लिखें, हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड ही सबसे पहले जो कोडिंग स्टार्ट करते हैं हम यही प्रिंट कराते हैं वैसे, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ना ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा है विद द हेल्प ऑफ डोम और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके मैं उसको चेंज कर दूँ किसी और वैल्यू में। तो इसमें जैसे तुम CSS में वैल्यू, जैसे तुम ये था जैसे सेंटर था, इसमें क्लास या उस आई डी बना दी बाई क्लास और बाई आई डी से, तुम क्या करते थे चीज़ों को उठा लेते थे या फिर बाई टैग नेम से, वैसे ही तुम जावास्क्रिप्ट में इसको भी उठा सकते हो। सबसे पहले मैंने एक नाम है वेरिएबल, लेट कॉन्स्टेंट वह कुछ भी लिखो, मैं सीधा ये लिखा, इसका मतलब है वेरिएबल टाइप का ए। अब मेरे को अगर इसमें ये वाले पी को उठाना है, या तो इसको बाई नेम उठा लो या फिर बाई आई डी उठा लो या बाई क्लास उठा लो, तो मैं उठा रहा हूँ सिंपल पहले बाई टैग नेम, जो इसका टैग नाम क्या है पी है। उठाने के लिए इसमें लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, उठाना है मतलब उसको गेट करनी वैल्यू, तो क्या आएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट। अब किससे उठानी है, क्लास नेम से, आई डी से या बाई टैग नेम से, तो ये देखो इसमें बन रखा है पहले से ही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम, टैग नेम से उठाना है। ब्रैकेट लगाया, डबल कोट्स लगाए, कौन सा टैग उठाना है, टैग नेम बाहर लिखा है इसका मतलब क्या लिखना है, बस उसका नाम लिखना है पी, पी उठा लिया। अब देखो पी के साथ इसमें ना जैसे एरे में होता है, इसमें पोजीशन देनी पड़ती है जीरो, अगर इसमें नहीं देंगे ना पोजीशन तो ये तुम्हारा उठ नहीं पाता, इसमें उठ भी जाएगा पर इसमें चेंज नहीं दिखता। अब तुम्हें अगर जावास्क्रिप्ट से इसकी एचटीएमएल चेंज करनी है, मतलब एचटीएमएल जो इसके अंदर लिखा है टेक्स्ट कुछ भी लिखा है इसको चेंज करना है, ए में क्या हो गया अपना सेलेक्ट हो गया सारा पैराग्राफ। अब ए में अगर मैं लिखूं ए डॉट इन एचटीएमएल, मतलब एचटीएमएल के अंदर जो लिखा है इसमें एचटीएमएल ही सारा कैपिटल आएगा, एचटीएमएल पूरा कैपिटल आएगा, हम हैं ए के अंदर और ए के अंदर जो टेक्स्ट है उसके अंदर है। अब मेरे को हेलो जो लिखा आ रहा था, तो पहले तुम ये देख लो इसमें, इसमें लिखा आ रहा था, एक मिनट नहीं आ रहा क्या, पैराग्राफ नहीं आ रही है, अभी लिखा ना मैंने इसकी वजह से हो रहा है, मैंने खाली लिख दी, इसका मतलब क्या हुआ कुछ नहीं है, और जो लिखा था वो खाली हो गया इसकी वजह से। अब देखो क्या आ रहा है, हेलो वर्ड आ रहा है। अब इससे क्या वो सिलेक्ट, इससे क्या सिलेक्ट हो रखा है पैराग्राफ, कोई वैल्यू इसमें नहीं लिखी, इसका मतलब क्या खाली, अगर मैं इसमें एच जी लिख दूँ तो यहाँ देखो जी आएगा, खाली रखूँ इसका मतलब क्या कुछ नहीं आएगी, इससे क्या हुआ ये एक तरह से पी सिलेक्ट हो रखा है। इन एस्टिमेट से क्या हम पी के अंदर, पी के अंदर अगर मैं जो भी लिखूँ, जैसे अभी मैंने हेलो वर्ड लिखा था, अब मैंने मान लो लिख दिया हेलो साहिल, तो इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा हेलो जो वर्ड लिखा था उसके क्या आ गया हेलो साहिल, मतलब जो उसमें लिखा था ना वो इससे क्या होगा चेंज हो गया। अब ये वाली चीज़ ना हम करते हैं बटन क्लिक करके, कि बटन क्लिक हो तब चेंज हो, ऐसे चेंज ना हो, तो यहाँ जाके हेलो वर्ड के नीचे मैं लिख देता हूँ एक बटन, बटन लिखा, बटन का नाम लिख देते हैं चेंज वैल्यू या नेम, तो नेम लिख देते हैं। ठीक है, पहले हेलो चलो इसको कर देते हैं, चलो सुमित लिख दिया मान लो। ठीक है, अब पहले क्या आ रहा है हेलो सुमित लिखा आ रहा है। अब मेरे को इसको ये वाला जो बटन है, जो बटन आ रहा होगा इसको मैं क्लिक करना है तब जाके ये वाला नेम चेंज हो, मैं ये चाहता हूँ। यहाँ गया, यहाँ मैं क्या करूँगा, ये जो चीज़ लिखी है मैंने उसको मैंने करा कॉपी या कट कर लो जो भी है, एक मैं फंक्शन बुला देता हूँ, तो पता है फंक्शन के अंदर लिखते हैं उसको हम बुला सकते हैं बाय इट्स नेम।
फंक्शन मैंने बना दिया जैसे एबीसी नाम का बना दिया फंक्शन, ठीक है, ब्रैकेट लगाई, ये है फंक्शन लिखने का सिंटेक्स। अब मैंने वो जो चीज़ रखी थी वो मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये चीज़ इसके अंदर है, जब तक मैं फंक्शन को नहीं बुलाऊंगा उसके नाम से तब तक ये वाली चीज़ नहीं चलेगी। तो मैं ये यहाँ गया, बटन जो है इसके अंदर लिख देता हूँ ऑन क्लिक, मतलब जब बटन क्लिक हो, ऑन क्लिक ये रहा, ठीक है, जब ऑन क्लिक हो तब क्या हो, ये वाला फंक्शन आ जाए इसके अंदर एबीसी नाम का। इसमें क्या लिख दूंगा, एबीसी ये वाली ब्रैकेट। मैंने कहाँ कॉल करा, जब बटन क्लिक हो तब कॉल करा, यहाँ गया, हुआ साहिल का क्या हो गया, सुमित था पहले, क्लिक कर क्या हो गया, साहिल का क्या हो गया, सुमित का साहिल हो गया, ठीक है। अब मान लो मेरे को इसी चीज़ में CSS भी चेंज करनी है, ये था इनर एचटीएमएल चेंज करने के लिए। अब मान लो मेरे को इसका क्या करना है, CSS भी चेंज करना है, तो ए में तो अपना क्या पैराग्राफ स्टोर हो ही चुका है, तो मैं इसमें लिखूंगा ए डॉट। अब तुम्हें इसमें क्या चेंज करना है, CSS चेंज करना है, तो इसमें आएगा तुम्हारा स्टाइल डॉट। अब तुम्हें स्टाइल में क्या चेंज करना है, मान लो कलर चेंज करना है, तो कलर के लिए क्या कोड होता था, कलर ही होता था इक्वल टू कौन सा कलर देना है, रेड देना है। यहाँ गए, क्लिक करोगे, क्या होगा, टेक्स्ट तो चेंज होगा, साथ में क्या हो गया, कलर भी चेंज हो गया। इसका मतलब क्या, HTML मैनिपुलेट हो गया और ये भी हो गया। अब मान लो मेरे को इसके साथ एक और प्रॉपर्टी देनी है, मतलब एक मिनट क्या हो गया, कंट्रोल सी, अब मेरे को एक साथ कुछ और भी करना है इसके साथ, ऐसे ना ये सेमी कोलन बंद करते रहो या डालोगे तो PHP में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आगे फिर इसमें एरर बताती हैं, ठीक है। इन HTML में हेलो साइल लिखा, ये कॉपी करा मैंने, नहीं करा, एक मिनट, ये क्या पेस्ट हो गया, क्या अच्छा ये यहाँ तक था, कंट्रोल सी करना था, ठीक है, यहाँ गया। अब मेरे को एक एक ही इसमें प्रिंट नहीं करना, मेरे को दूसरी वैल्यू भी प्रिंट करनी है, ठीक है, कलर तो हो गया। अब मान लो उसमें तुम कैसे, जैसे तुम लिखते थे फॉन्ट साइज लिखते थे ना, उसमें कैसे लिखते थे, फॉन्ट हाइफन साइज ऐसे लिखते थे, ठीक है, लेकिन इसमें तुमने ऐसे नहीं लिखना, इसका साइज का जो एस बड़ा है ना बिना हाइफन के, तुमने ये बैक करना है, जो अगला जो वैल्यू होता था हाइफन के साथ उसको बस यहाँ पे बड़ा लिख देना है। और फॉन्ट साइज की वैल्यू क्या होती थी नंबर में, तो मतलब मैंने लिख दिया 100 पिक्सल, यहाँ गया क्लिक करूँगा, देखो कितना बड़ा हो गया। तो CSS की जो भी प्रॉपर्टी होंगी तुम सब इसमें यूज़ कर सकते हो, और HTML के जो भी तुमने लिखना है। अब देखो HTML में जैसे मैंने अभी हेलो साइज लिखा था, इसको साइज थोड़ा 10 पिक्सल कर देते हैं, जो भी है हेलो साइज लिखा था, इसको तुम HTML के टैग्स के अंदर भी लिख सकते हो, कंट्रोल एक्स करा। और जैसे मान लो मेरे को इसको चाहिए था H1, चलो बोल्ड इट, चलो अंडरलाइन कर देते हैं, यू टैग बनाऊंगा इसके अंदर, तो मैं इसके कोड्स के अंदर HTML के टैग्स भी लिख सकते हो। अब इसमें लिख दिया हेलो साहिल, तो ये क्या अंडरलाइन के साथ आएगा, देखो इसका मतलब क्या, कोड्स के अंदर HTML के टैग भी यूज़ कर सकते हो, और जो स्टाइल में है उसमें तुम सारे ही सीरीज का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मेन चीज़ है इसमें वैल्यू वाली गेट करना सीखते हैं, या फिर इतना काफ़ी है, क्या करना है मेन चीज़ है। अब देखते हैं, हम देखते हैं वैल्यू कैसे गेट करनी है, वो देखते हैं। जैसे अभी अपना तो ये हो गया, ठीक है, अब ये जो पुरानी चीज़ें थी मैं इसको हटा देता हूँ, चलो तो मैं ये वाला कोड भेज देता हूँ पहले तुम्हारे ग्रुप में। अरे यार कंट्रोल सी, एक तो ये वाला कोड उठाया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी ये वाला उठाया, तो अच्छा व्हाट्सएप नहीं हो रहा, प्लेसमेंट वाले में तुम सभी है तो उसमें भेज देता हूँ सीधा ही, एक सेम ग्रुप होगा तुम्हारा, ये रहा प्लेसमेंट। तो पहले मैंने भेज दिया ये वाला, ये तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का भेजा है पहले, फिर उसके बाद तुम्हारा HTML वाला है, ठीक है। पहले ये लिखना है, ये अलग फाइल है, ये अलग फाइल होगी, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, फंक्शन मैं यही रखता हूँ, अब यहाँ से डोम तो मैंने लिखा, ये हेडिंग मेरे को चाहिए, ये वाली चीज़ें मैं यहाँ से, चलो बटन भी रख देता हूँ, बटन से मैं कर देता हूँ यहाँ पे सम निकालना है मेरे को, बटन से बटन क्लिक हो तो सम आ जाए उससे सम, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तुम्हें जब सब निकालना है तो मैं चाहता हूँ एक इनपुट बॉक्स बने, अब तुम जो कर रहे थे प्रीव्यू में वैल्यू दे रहे थे और उसके बाद आप प्रिंट कर रहे थे, मैं चाहता हूँ इनपुट में वैल्यू आई, तो तुम्हारा इसमें कर देते हैं टेबल में PR, ये HTML चल रहा है सब, और TR में TT बना देता हूँ, दो TR सही देखो ऐसे लिख जाएगा, देखो ये बन गया, ठीक है, दो इसमें लिख देता हूँ मैं इनपुट टाइप, टेक्स्ट नहीं लिख रहा हूँ मैं टाइप, तो टेक्स्ट नंबर जो भी है देखा जाएगा, तो मैंने इसमें टाइप भी चेंज करनी पड़ेगी इसकी। अब मैं चाहता हूँ इसके नीचे क्या आ जाए, लिखा हुआ आ जाए,
एंटर वैल्यू वन, ये वाला उठा देता हूँ मैं, टी डी, ये वाला टी डी मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एंटर वैल्यू टू, भाई स्पेलिंग क्या होगी, ठीक है। अभी तुम्हारा आउटपुट कैसे दिख रहा होगा, तुम्हारा ऐसा दिख रहा है, ये वाला मैं सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा ऐसे देखना, पहले वाली इसमें डालनी, दूसरी वाली इसमें डालनी, ठीक है। और ये सम बटन है, इससे क्या हो जाना, सम हो जाना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो मैं गया यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ। अब ये देखो सबमिट क्यों नहीं, ये सबमिट नहीं होगा जब तक तुम फॉर्म के अंदर सबमिट नहीं लिखो, तब तक ये सबमिट नहीं होगा। इसलिए अब हम करेंगे इसको, ले देते हैं टी डी, टी डी को ले देते हैं, टी डी में बटन उठा के रख देंगे, क्योंकि बटन मेरे को चाहिए लाइव में बढ़िया से। कोल्ड पेन आया याद है ना, दो बोलों को एक साथ कर लो, साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें अलाइन सेंटर हो जाए इसकी, ठीक है। अब देखते हैं क्या बनाए उसमें, देखो बटन सेंटर में आ गया, ये तो सारा ही सेंटर चाहिए, वो भी कर लेंगे हम, इसको बंद करते हैं, रिलोड नहीं हो रहा, ऑटो रिलोड नहीं हो रही, यहाँ गया। तो मैं कहता हूँ ये टेबल पूरा क्या हो जाए, अपना सेंटर में लाइन हो जाए, टेबल में गया यहाँ पे अलाइन सेंटर, ठीक है, सेंटर में आ गया। इसका बोर्ड देना नहीं देना, चलो ठीक छोड़ो। अब मैं इसमें कह रहा हूँ फॉर्म बना देता हूँ एक, ठीक है। फॉर्म कहाँ बंद होगा मेरा, बिल्कुल लास्ट में, टेबल के लास्ट में, ठीक है। यहाँ गया फॉर्म, मेरे को बंद करना नीचे डाल नीचे हो गया, टेबल लगाया आपने यहाँ पे बंद करना, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया इसमें, ठीक है। अब दो इनपुट, दो ये बॉक्स हैं, मैं चाहता हूँ इनकी इनकी वैल्यू मेरे को गेट करनी है। देखो वैल्यू से होता है, यहाँ पे अगर मैं इनपुट में लिख लूँ वैल्यू, यहाँ देखा ध्यान से, अगर मैं इसमें लिख देता हूँ वैल्यू एंटर, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी वैल्यू लिख दिया, तो यहाँ पे लिखना ध्यान से, देखो लिखी हुई आ रही है इसमें, इसका मतलब जो वैल्यू है, जब लिखी हुई चीज़ है वो वैल्यू से उठ सकती है, वैल्यू लिख रहे हैं ना, तो वैल्यू में ही एंटर हो रही है वो वैल्यू, वैल्यू जो हम लिख रहे हैं, तो हम वैल्यू उठाएंगे बाई वैल्यू से। तो यहाँ गया, तो पहले एकदम लिख लेते हैं ये क्या है, इनपुट दो है ना अपने पास, इनके नाम देते हैं पहले अलग अलग, कैसे नाम देंगे, बाई क्लास है उससे देंगे हम। इनपुट के अंदर गया मैं, ये रहा, मैं इसमें क्लास लिख लेता हूँ, क्लास नहीं, मैं आई डी से काम करता हूँ, बाई क्लास नेम से क्या, उसमें मैं स्क्वेयर लगा के जीरो लिखना, जैसे टैग नेम में लिखा ना एरे की फॉर्म में, स्क्वेयर ब्रैकेट के साथ जीरो, टैग नेम में और क्लास में लिखना पड़ता, लेकिन आई डी में नहीं लिखना पड़ता, इसलिए मैं आई डी लिख रहा हूँ, आई डी लिख दिया मैंने आई एन पी वन, ठीक है। दूसरे की लिख दी मैंने आई डी इक्वल टू इनपुट टू, ठीक है। अब मेरे को बाई आई डी उठानी है वाली वैल्यू, और जो भी फंक्शन होगा ना वो सीधा मैं किस पे बुला रहा हूँ, सम नाम के इस पे, मैं यहाँ गया, अब मैंने इस पे सिलेक्ट करना है एक नाम से बना दिया, ये नाम से इक्वल टू, मेरे को क्या उठाना है, बाई आई डी से उठानी चीज डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाई आई डी से उठानी है, तो आई डी लिखी, ब्रैकेट लगाई, डबल कोट्स लगाया, आई डी क्या पहले की इनपुट वन, इसे क्या हुआ वैल्यू उठ के आ गई, कंट्रोल सी आया, अभी इसे वैल्यू उठी नहीं, वैल्यू उठाने के लिए इसमें लिखे डॉट वैल्यू, ठीक है, वैल्यू उठाएंगे डॉट वैल्यू लिखना है, ठीक है। डॉट वैल्यू से क्या हुआ, उसके अंदर जो भी वैल्यू जो हम डालेंगे इनपुट में वो वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी, ए में स्टोर होगी वैल्यू जो कॉपी करा मैंने, अब मैं बना रहा हूँ बी नाम से, ठीक है। इनपुट इसमें टू, इससे क्या होगा दूसरी वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी इसमें स्टोर हो जाएगी। अब मेरे को बनाना है एक वेरिएबल सी नाम से, सी में क्या हो जाए दोनों को मल्टीप्लाई प्लस सम वाला बनाए, प्लस हो जाए ए प्लस बी, कर दिया बंद, सी में तो हो गया ए प्लस बी, लेकिन प्रिंट भी कराना है। हमने जो इनर एस्टिमेशन सीखा अभी उससे क्या होता था, प्रिंट होता था किसी भी पैराग्राफ में, कर दिया कहीं भी कर दिया। तो मैं क्या कहता हूँ फॉर्म से बाहर एक बना देता हूँ पैराग्राफ, ठीक है, जिसमें इस पैराग्राफ का यूज़ करेंगे हम प्रिंट कराने के लिए, जो हम सम हो रहा है ना उसको कहीं पर दिखाना भी है, तो पी पे इनर एस्टिमेशन करके हम इस पर दिखा देंगे। पहले इसमें एक्शन क्या कर देते हैं, फॉर्म में जाकर एक्शन इसमें हैज कर देते हैं ताकि ये रिलोड ना हो, ऐसा मतलब ये वाला घूमे पर एक पेज पर रही, एक्शन का जब पास देते थे कहीं और जाता था, लेकिन मैं कहीं नहीं भेजना इसी पेज पर था, तो मैंने दे दी हैज। तो पैराग्राफ मैंने इसको पैराग्राफ को मैं टेबल के अंदर दे देता हूँ, टी आर टी डी
इसके अंदर रखा, इसको देता हूँ कोल स्पैन टू, बाद में अलाइन किया था सेंटर, अलाइन इसके लिए सेंटर। अभी पी नहीं दिखा क्योंकि पी में मैंने कुछ रखा ही नहीं है, अब पी में कुछ रख देता हूँ पहले ऐसे दिखाने के लिए। अभी टेक्स्ट ये रहा अपना पी, द सम विल बी डिस्प्लेड हियर। अब देखो ये लिखा रहा है, जब मैं क्लिक करूँगा ना, क्लिक करूँगा तब फंक्शन चलेगा, तब जाके इसमें जो वैल्यू चाहता हूँ वो मैं बुला सकता हूँ इसमें। अभी देखो अभी मैं इसमें गया, अब मैं अभी मैंने ये दो को प्लस करा है ठीक है, अब मैं इसमें पी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आईडी नहीं दी है, तो चलो इसमें मैं नाइट डी नाम से डी इक्वल टू डी को सिलेक्ट करने कैसे करेंगे, बाई टैग नेम करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, टैग नेम क्या है उसका पी, पी लिखा और पी में इसमें देखो स्क्वेयर वाला वो लगाना पड़ेगा हमें जीरो स्क्वेयर ब्रैकेट के साथ, ताकि तो ही इसमें वैल्यू कैट होती है उसमें ठीक है। अब मेरे को क्या करना है इसका इनर एस्टीमेट उठाना है, जीरो में से पोजीशन मिल जाती है, जीरो नहीं लिखोगे ना उससे नहीं चलेगा, ये पुराने मेथड थे। उसके बाद आई डी आया तो आई डी में जीरो नहीं लिखना पड़ता, तो हम ज़्यादातर आई डी यूज़ करते हैं, बाकी अभी और मेथड आएंगे। तो डी में क्या अपना आ गया, पी को सिलेक्ट हो गया, डी में मैं क्या चाहता हूँ, डी में डी के इनर एस्टीमेट मतलब डी के अंदर जो भी लिखा है उसके अंदर क्या चेंज हो जाए, इनर एस्टीमेट उसका चेंज हो जाए, मतलब ये जो टेक्स्ट है ये चेंज हो जाए, इसमें क्या वैल्यू आ जाए सी की। अभी ना इसमें ए प्लस बी ना ये थोड़ा गलत है आंसर, जो ए प्लस बी है ना इसमें जैसे अगर 10 20 लिखा तो 10 20 आएगा, 10 प्लस 20 नहीं होगा, वो अभी चेंज करेंगे। तो इसमें क्या आ जाए सी की वैल्यू आ जाए, सी की वैल्यू क्या है प्लस हो के आ रही है, अब देखते हैं इसमें आता क्या नहीं आता। जब मैं क्लिक करूँगा फंक्शन को तो अभी कुछ इसमें वैल्यू है नहीं तो कुछ नहीं आ रही, 12 क्या आ गया, 12 आ गया, ये प्लस नहीं हुआ, क्या हुआ एक तरह से टैक्स ले लिया इसने। अब इसको ठीक करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे इसको हम नंबर बनाएंगे, नंबर कैसे बनाते हैं इसमें, इसमें लगेगी तुम्हारी एक ब्रैकेट, इसमें लगेगा साथ में प्लस, अब ये तुम्हारा आप बन गया नंबर, अब दूसरा भी नंबर बनाना है, माइनस में चल जाता है लेकिन इसमें नहीं चलता है प्लस में ठीक है, इसमें लिखा प्लस और ये जो है इसमें लगा दी ब्रैकेट ठीक है। अरे इसमें सी लिखा है, मैं चाहता हूँ इसमें कुछ और भी साथ लिखा जाए, कॉन्कैटनेशन कैसे करते हैं इसमें प्लस लगा के, तो यहाँ लिख देता हूँ द सम ऑफ सम ऑफ टू गिवन नंबर्स इज ठीक है, यहाँ गया रिफ्रेश करा, यहाँ पे मैंने वैल्यू दी थी कोई भी, मैंने 12 लिख दिया और यहाँ पे 13 लिख दिया, सम करूँगा जब अब स्पेस नहीं आ रही स्पेस हम ले लेंगे, द सम ऑफ टू गिवन नंबर्स इज कितना आ गया 24, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो ये स्पेस दे दिया, अब यहाँ जब जाएंगे यहाँ पे ये 12 लिख दिया, यहाँ पर 13 लिख दिया, सम करा देखो 25 आ रहा है, काउंट कर लो 25 ही आया, ये है तुम्हारा आज का, बाकी हम करेंगे कल।